नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं इंदु कुमारी, आप हैं हमारे साथ जीजे न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। होली पर्व को लेकर आज घाटशिला थाना एवं मऊ भंडार ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान लोगों से शांति पूर्वक पर्व मनाने की अपील की गई। इस मौके पर पर्व के दिन शराब का सेवन करने से जहां मना किया गया, वहीं स्पीड वाहन चलाने वाले को भी सख्त हिदायत दी गई कि वाहन चालक नियंत्रण में अपने वाहन चलाए, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उस परिस्थिति में उसका होश और बढ़ जाता है जो जुआ में रहता ही है। तो जुआ पीढ़ी को हमको ध्यान रखना है। शांति समिति के सारे मेम्बरों से मेरी अपील है कि जुआ पीढ़ी को ध्यान रखिएगा, उसको कंट्रोल कीजिएगा या उसका पक्ष नहीं लीजिएगा। निष्पक्ष अगर उसमें डिसीजन दे रहे हैं तो ऐसा कोई घटना नहीं है कि वो बढ़ जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा, वहीं पर बढ़ जाएगा। तो हम सबको मध्यस्थता करना है। कुछ घटना हो भी रही है, कहीं मतभिन्नता आ भी रही है, तो उसको मध्यस्थता करके उसको वहीं पर ख़त्म कर देना है। अगर विशेष परिस्थिति में हमारी आवश्यकता भी पड़ रही है तो तुरंत रिंग कीजिए, थाना प्रभारी का नंबर लीजिए और थाने के अफसर का नंबर लीजिए और तुरंत सूचना दीजिए। डाइट अभी SDO साहब घाटशिला थाना है बोले कि एक दिन का डाइट है, इसी साहब रखे 10 तारीख को। तो 10 तारीख को कहीं शराब की बिक्री अगर हो रही है, चाहे लाइसेंस की दुकान हो चाहे बिना लाइसेंस की, कोई शराब बेच रहा है तो खबर कीजिए, है ना। 10 तारीख को किसी हालत में शराब या मद पान का मैंने क्या कहा, बिक्री नहीं होना, शराब की बिक्री नहीं होगी, अंग्रेजी हो हिंदी हो कुछ भी हो। और ऐसे तो हिंदी के आए मैंने क्या कहें, देसी महुआ वगैरह कहीं अगर बन रहा है तो अगर सूचना दीजिएगा तो हम लोग तुरंत तौर पर कार्रवाई करेंगे, जो भी लीगल कार्रवाई है। आप लोग का सुझाव भी जरूरी है, बोला जाए श्रीमान आपको बहुत बस युवा पीढ़ी जो है ना डिसाइड रहता है उसका, अभी क्योंकि सोच परिपक्व नहीं हुआ है, वो किसकी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं नहीं पहुंचा रहे हैं उसको समझ में नहीं आता है। तो युवा पीढ़ी को हैंडल करना है, हम सबको मिलकर उसको हैंडल करना है, देखना है ना। हम लोग से गलती नहीं होगा, गलती जब भी होगा तो नया पीढ़ी से होगा, क्योंकि वो कोई कोई ऐसा होता है कि चलो आज पता अपने बॉडी को अपने जुबान को, और बॉडी और जुबान की हरकतों से ही मामला फिसल जाता है ना। तो इन चीज़ों को निगरानी हम सबको रखना है, मिलकर रखना है। हमारे पास संख्या बल कम है, वर्दी नहीं आएगी, खुशी का माहौल खुशी में ही रात 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। लाउड स्पीकर जो भी बजा रहे हैं या बजाइएगा 10 बजे बंद कर ना, 10 बजे सब मस्ती करके अपना अपना घर जाके अपने पारिवारिक दायित्वों को भी निभाना है। ये नहीं कि साथियों से दोस्ती और मस्ती कर लिए और वहीं पर पड़े हुए हैं रात भर, वो नहीं करना है। करना ये है कि बाकी जो जवाबदेही है इसको चार एक गार्जियन के रूप में बच्चों के पास में जाना है, पत्नी के पास जाना है, माँ बाप के पास जाना है। तो हम सबको जो भी मनाएंगे 10 बजे के बाद में अपना अपना घर जाने का और भेजने का उपाय करना है। तो जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर रंग लोग अपेक्षित नहीं करता है या चाहता है कि रंग हम इस बॉर्डर लाइन से अलग रहे, तो उस जगह पर हमको रंग गुलाल नहीं खेलना है। धार्मिक स्थलों के आसपास अनावश्यक ढंग से वैसे हम नहीं वैसा हरकत करें या कुछ जोश में कुछ बोलें कि हम दूसरे के भावना को ठेस पहुंच जाए, आदमी के या धार्मिक भावना को ठेस पहुंच जाए, समुदाय के भावना को ठेस पहुंच जाए, वो काम नहीं करना है। और जीवन तो खुशी इसलिए आता है कि रंग जीवन में रहता है, कभी खुशी रहती है, तो रंग भी जरूरी है। इसीलिए भारतीय सभ्यता संस्कृति में इस रंगों के त्यौहार को शामिल किया गया है कि लोग जो उदासी में आ जाता है, ये बसंत ऋतु को जो चल रहा है ना, इस ऋतु या पतझड़ जो आ गया है इसमें लोग खुशी से रहें, दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम का जीवन हो उसको और दुगुना करें, उत्साहित होकर जीवन को जिए। काली बाबू कुछ बोलिए आप भी। देखिए त्रिपल और चुरपल लोट होके होली गए पूरा तेज रेस ड्राइव करता है, रेस ड्राइव करता ना, तो गस्ती दल हमारा ध्यान रखेगा, उसमें ध्यान रखा जाए। और इसको ना पेश में बाकी अफसर कहाँ है, सब अफसर सुन रहे ना, गस्ती पार्टी उस दिन ध्यान रखेगा रेस ड्राइविंग ना हो,
इंग्लिश मीडिया से आज के माध्यम से आएगा ना कि भाई तिरुपल लोगों से नहीं चले, ये नहीं चलाए, उसको न्यूज में आ जाने से क्या होगा कि होली का दिन में आदमी सतर्क रह जाएगा पहले से। वो दिन का आपको गश्ती लगाने से अच्छा पेपर में आ जाएगा ना, तो दिमाग में पेपर पड़ेगा तो भाई होली के दिन तिरुपल लोग नहीं चलना है। मीडिया वाले भाई रेस ड्राइविंग ना हो, ये थोड़ा पॉइंट आउट कीजिएगा। आज शांति समिति का जो बैठक है उसमें जो शांति कमेटी का मेंबर्स थे उन लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, जो यहाँ के लोकल मेंबर्स थे, जो वरिष्ठ लोग रिस्पेक्टेड मेंबर्स थे, उन लोगों के साथ डिस्कशन हुआ और ये डिस्कशन में ये बात किया है कि होली अच्छी पीसफुली मनाना चाहिए लोगों को और आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह, रफ गेम्स वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए। मठ वगैरह से उस प्रकार जैसे हालत या व्यवस्था का वही व्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पीसफुली अपना सब लोग अपना खेलेगा, होली मनाएगा, शुभ अवसर पर सबको रंग देगा, हल्दी देगा, जैसे हम लोग यहाँ पे करवाया आज की हल्दी से सबको स्वागत किया, हल्दी करवाए, आर्टिफिशियल कलर्स का यूज़ नहीं किया, जो डेंजरस कलर स्किन के लिए डेंजर होता है उनका यूज़ नहीं किया, वही सब बातें डिस्कशन हुआ है और सबको बताया गया है कि सब लोग अच्छी पीसफुली होली को मनाए। मेरा नाम मनोज स्वर्गीय है, मैं IAS 2018 बैच का प्रोविजनर हूँ, खासिला अभी थाना प्रभारी का मेरा ट्रेनिंग है और मेरे नाम पूरा मऊ भंडार ओपी क्षेत्र के सभी ग्रामीणों का तहे दिल से स्वागत है और मऊ भंडार क्षेत्र में दारू वगैरह पर मेरे सभी शांति समिति के सदस्यों से आग्रह है कि उस पर अपने बच्चों को कंट्रोल रखें और किसी तरह की घटना घटती है तो मुझे सूचित करें। मऊ भंडार वासियों से अनुरोध है कि ट्रिपल लाइटिंग न चलें और दारू का सेवन भी न करें और होली धूमधाम से मनाएं, यही सबसे पहले तो घाटशिला मऊ भंडार एरिया के सभी जनताओं को होली की शुभकामनाएं। और मऊ भंडार अभी विगत कई वर्षों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ शांति है और यहाँ ऐसा उत्पाद नहीं मचाया जाता है और हम लोग अपील करना चाहेंगे युवा पीढ़ी से कि मोटरसाइकिल ट्रिपल ड्राइव जैसे ना चलाएं, स्पीड ना चलाएं। उस दिन सब अपना होली का कुमार में मस्ती में रहते हैं तो किसी का नुकसान ना हो, आप लोग बरते स्वयं बरते सुरक्षा अपने आप में अगर बरतेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। घाटशिला वासियों ऐसे भी सुरक्षा का माध्यम से जाना जाता है कि यहाँ सब सुरक्षित रहते हैं, तो हुड़दंग ना करें, युवा पीढ़ी थोड़ा ध्यान दे और बाकी सब बढ़िया है, सबको होली की शुभकामनाएँ। शांति समिति की बैठक आज संपन्न हुई है, इसके बारे में होली की शुभकामनाएं घाटशिला और मंडल वासियों को, सबसे पहले होली की शुभकामना, उनके परिवार को शुभकामना और शांति समिति में हमारे मिनिस्टर साहब को भी परिवार ये संदेश दिए हैं कि सभी को मिलजुल के मनाना है और ये मऊ भंडार के मिसाल रहा है। कभी भी मऊ भंडार में हम लोग शांति समिति मने सभी जितने भी हैं धर्म का। जमशेदपुर के टुइला डोंगरी गुरुद्वारा एवं केरवा डोंगरी के भुडरू डी में गुरुद्वारा प्रबंधन एवं साझा संवाद के बैनर तले निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी लोगों की भीड़ देखी गई। शिविर में ललिता चंद्रशेखर, मीना बुगली, कैप्टन अनिल पांडे, डॉक्टर जी बी सिंह समेत काफी लोगों की भूमिका अति सराहनीय रही। जमशेदपुर के विष्णुपुर वोल्टास हाउस में आज वोल्टास लिमिटेड ऑफ विक्रेता इलेक्ट्रोकेयर द्वारा कोरोना वायरस पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से राजीव रंजन, संजय चटर्जी, पंकज कुमार, संजय चौधरी, तनवीर अख्तर समेत काफी संख्या में अन्य पदाधिकारी पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है।
जैसे कॉमन कोल्ड एंड फ्लू होता है हम लोग को, ठीक है, वो हम लोग के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आता है। कोई भी कॉमन कोल्ड एंड फ्लू जो होता है वो पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आता है, फिर तो इसका जनरली जो भी कोरोना का होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। और इसका जो इन्फेक्शन 2 to 14 डेज में इसका असर दिखता है। पहले आपको स्नीजिंग स्टार्ट होगा, नेजल डिस्चार्ज स्टार्ट होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, फीवर ऑन एंड ऑफ होगा, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, अपने आप को प्रिवेंट करना है, साथ में जो साथी हैं उनको भी ये करना है। जैसे आप कहीं स्नीज करते हैं, ठीक है, तो कहीं पर रुमाल रखना है या कोई कपड़ा है उसको रखना है, ठीक है, और उसके बाद हाथ को वॉश करना है। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, जैसे हम लोग अभी यहाँ आए, तो मास्क यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे भी आप कहीं भी अदर कंट्री में देखिए, चाइना देखिए, ये देखिए, कहीं वो लोग लिमिटेड की तरफ से एक अभी जो एक कोरोना वायरस का जो हवा चला हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी जगहों पर जाना है, नहीं जाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह का डाइट लेना है, किस तरह का लाइफ लीड करना है इस टाइम में, ठीक है, लोगों को अवेयर करना है, इसको लेकर के ये प्रोग्राम को हम लोगों ने आयोजित किया है। और मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ सर का कि जिन्होंने मुझे इतना ऑनर दिया, यहाँ बुलाया मुझे। और जब जब इसके पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम को मैंने इस दौरान क्या नॉन वेज वगैरह खा सकते हैं, फास्ट फूड नॉन वेज सब खा सकते हैं ना? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप खाइए, खाने में कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन हाँ उसको प्रॉपर हीट कीजिए, ठीक है। और चूँकि अभी ये फ्लू चला हुआ है तो कोशिश कीजिए कि अभी इसको अवॉइड कीजिए, सादा खाना ही खाइए, फ्रूट्स लीजिए, सॉरी बाहर नहीं खाना है, बाहर होटल का यही का घर का अगर है घर का खाइए, बाकी ऐसा कोई उसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है, प्रॉपर हाइजीन रखना है, अपने आप को संभालना है, ठीक है, और कुछ ऐसा ही नहीं। मास्क यूज़ करना है, जैसे मास्क यूज़ करना है, ठीक है, मास्क यूज़ करना है, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं या आप स्नीज करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो हाथ को प्रॉपर धोना है, मास्क यूज़ करना है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जमशेदपुर में श्री राम महोत्सव शोभा यात्रा मनाए जाने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि आगामी 24 मार्च को जमशेदपुर में शोभा यात्रा एवं महाआरती का आयोजन किया गया है। इस दौरान राम मंदिर निर्माण में शामिल जमशेदपुर के सभी हिंदू वीर को देश के सीमा की रक्षा करते वीर शहीद के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। परिषद महानगर के द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रेस के द्वारा पूरे जमशेदपुर महानगर को जानकारी देनी कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय योजना के अनुसार राम महोत्सव मनाने का योजना तय की गई है। ये पुरानी योजना है, प्रत्येक वर्ष ही इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक जो है इस समय काल में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद महानगर जमशेदपुर की ओर से आगामी 24 मार्च को यहाँ पे यात्रा का एक कार्यक्रम जो रखा गया है वृद्ध रूप में, और इसके अलावा जो है 100 खंड उपखंड तक जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो इस समय के अंतराल में सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसमें शोभा यात्रा जो है विष्णुपुर राम मंदिर से निकल के सुभाष मैदान आम बगान तक जाएगी, वहाँ पे पहुँच के एक सभा में परिवर्तित होगी। भजन संध्या का आयोजन किया गया है और वहाँ पे जितने भी हमारे देश में जो वीर शहीद हुए हैं या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी सज्जन हैं उनको सभी को सम्मान दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, और जितने देश की रक्षा पे लगे हुए जवान वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को बुला के उनको भी सम्मानित किया जाएगा। केंद्र स्तर से किसी प्रमुख अधिकारी को या किसी वक्ता को भी आमंत्रण किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, उसकी जानकारी आगामी प्रेस वार्ता में या प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा आप उनको दी जाएगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए समाज के सभी वर्गों को आह्वान किया गया है, सारे वर्ग आएँ और इसमें जो है शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाएँ। इसका स्वरूप ऐसा होगा, राम जी के जीवन चरित्र से जुड़ी और जो राम भव्य राम मंदिर बनने की जो योजना है उसकी झांकी शामिल की जाएगी और राम जी के चरित्र के बारे में जो है झांकी के स्वरूप से उनका दर्शन कराया जाएगा।
समाज के सभी वर्गों से एक और निवेदन किया गया है कि वो अगर अपनी सेवा देना चाहते हैं तो सेवा शिविर के माध्यम से इस यात्रा में इसकी सेवा दे सकते हैं। इसके लिए पूर्व में जो वो महानगर अध्यक्ष ने मुझसे संपर्क करके जानकारी ले सकते ताकि उसको सूचीबद्ध किया जा सके और कहाँ से किसको कहाँ सेवा देनी है उसको नियत किया जाए। और कोई इसके अलावा बाहर से भी कोई लोग कोई आएंगे क्या? बाहर से हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि कोई अच्छे वक्ता या कोई लीजन जो है उनको बुला के इस यात्रा का और शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है। वो जैसे ही तय होगा प्रेस को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अवतार सिंह गांधी, अध्यक्ष महानगर जमशेद विशेंदुपुर से। पटमदा डिग्री कॉलेज मैदान में आज आत्मा पूर्वी सिंहभूम द्वारा किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक जुसलाई श्री मंगल कालिंदी, विशिष्ट अतिथि उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री रवि शंकर शुक्ला शामिल हुए। किसान मेला में शामिल हुए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, प्रगतिशील किसान महिला समूह एवं सखी मंडलों द्वारा फल फूल सब्जी एवं अन्य फसलों के उत्कृष्ट कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कृषकों द्वारा प्रदर्शित किए गए उत्पाद जो उत्कृष्ट रहे उन्हें पुरस्कृत किया गया। अवसर पर प्रखंड उप प्रमुख श्रीमती सुमित्रा महतो, मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर टुडू, पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। किसान मेला के आयोजन में जिला कृषि पदाधिकारी श्री मिथिलेश कालिंदी, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शंकराचार्य समत, अंचल अधिकारी श्री रंजीत लोहरा, कृषि विभाग एवं आत्मा के सभी कर्मी तथा प्रखंड एवं अंचल कर्मी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विभिन्न सरकारी योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न पंचायत धर्मगढ़ के कोपड़ा, बुढ़ा बांधा के सिंहपुरा, डुमरिया के कुमरासोल, भड़ा गोड़ा के पुरना पानी, घाटशिला के काराडूबा एवं कोटका के आसन बनी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यस्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव सफल प्रयास किए गए। लोगों को कई योजनाओं की भी जानकारियां दी।